हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 35। चलते हैं, इसमें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है और फिर आगे हार्ड पे हार्ड है। इससे बहुत सारे बच्चे का कैलकुलेशन में गलती होता है, इसलिए मैं सोचा कि मैं इस सिंप्लीफिकेशन को बना दूँ। तो इससे पहले बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले बोर्ड मार्क्स अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर सीख लीजिए। ये बोर्ड मार्क्स होता है। तो ब्रैकेट और ऑफ को तो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 4-5 में, तो लेकिन यहाँ इस सिंप्लीफिकेशन में, इस चैप्टर में डी एम ए और एस का यूज होता है। एस का मीन्स होता है सब्सट्रैक्शन, मीन्स माइनस, सब्सट्रैक्शन। फिर ए का मतलब होता है एडिशन और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डी का मतलब होता है डिवाइड। तो सबसे पहले डी आता है, सबसे पहले क्या आता है डी। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे और लास्ट में जाके सब्सट्रैक्शन का करेंगे। इसका यही रूल होता है। तो पहले इसमें अगर जैसे दो अंक के बीच में, जैसे यहाँ पे डिवाइड है, दो अंक के बीच में क्या है डिवाइड, तो पहले हम लोग को डिवाइड करना है, फिर ऐड जो होगा वो करेंगे। चलिए इसमें ऑफ भी दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑफ का भी बात हो जाएगा। फिर ब्रैकेट, सबसे पहले तो ऐसे इसमें शायद ब्रैकेट में भी दे दिया है तो ब्रैकेट का भी यूज करेंगे, ब्रैकेट का भी यूज इसमें करना होगा। तो पहले ब्रैकेट को लेंगे फिर ऑफ का काम करेंगे, मतलब दो नंबर के बीच में अगर ऑफ रहेगा तो पहले ऑफ का यूज करेंगे। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे करते हैं और आगे जब जैसे जैसे आएगा सिंपली उसको समझते भी चलेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 5 -0.005 -0.05 +0.5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि यहाँ पे एडिशन कौन कौन है। तो देखिए जो नंबर के पहले कुछ कोई साइन नहीं रहता है वो समझिए ऐड में है, वो किसमें है ऐड में है। तो इसमें 5 ऐड में है और ये दोनों माइनस का साइन है, जिसके पहले जो साइन होता है ये माइनस में है। इसका मतलब आपको सिंपली ये से भी समझना होगा कि आप इतने रुपए का कुछ सामान खरीद लिए हैं और आपके पास 5 रुपया है और आपको फिर बाद में 0.5 रुपीज कोई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले 5 और 0.5 को ऐड करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में चलते हैं, 5 -0.005 -0.05 +0.5। तो यहाँ पे 5 और 0.5 को ऐड करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग को आंसर में आ जाएगा 5.5। फिर इसको माइनस करेंगे, देखिए ये भी माइनस में है, ये और ये भी माइनस में, ये नंबर भी माइनस में है और ये भी नंबर माइनस में। तो इसको ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन तो बाहर रखेंगे ही लेकिन इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो ऐड करके आप अगर लिखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5055, है ना। फिर आगे इसमें ऐड करके लिख दिए तो फिर इसको फिर माइनस करना है। तो 5.5, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 अंक दिया है तो आप भी यहाँ पे 3 अंक बना लीजिएगा डेसिमल के बाद, फिर इसको माइनस कीजिएगा 0.055। फिर आप आसानी से आप माइनस कर सकते हैं। इससे 5 कैरी 1 लेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 से 1 ये 10 हो जाएगा और ये 9 बच जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5, फिर 9 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, और ये 5 तो 1 ले दिया था तो यहाँ पे 4 बचा और 0.5। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5.445। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 35 -7.892 +0.005 -10.345। देखिए आपको यहाँ पे प्लस में कौन कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर प्लस में है और ये वाला नंबर प्लस में है, और फिर ये नंबर और ये नंबर माइनस में है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या करना होगा, 35 + 0.005 0.005, इस दोनों को प्लस कर लेंगे और माइनस में 7.892 है +10.345। जो जो माइनस में है दोनों को एक साथ ऐड कर लिए और जो प्लस में था उसको एक साथ ऐड कर लिए। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.005, ये इतना आ जाएगा। फिर ये माइनस में कितना आएगा, 5 + 2, 5 + 2 कितना आएगा 7, 9 + 4
फोर, 13 का 3 कैरी 1, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1, इधर यहाँ पे कैरी 7 1 8, 8 प्लस 0 8 और ये 1, तो 18.237। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, फिर अब आगे यहाँ पे 15 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 ये आप खुद से कीजिए, 15 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 8, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7 पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचा था तो 14 में से 8 माइनस होगा तो 6, और फिर ये तो 2 बच जाएगा, 2 में से 1 तो 1, इसका आंसर आ जाएगा आपको 16.768। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 17.5, 17.5 प्लस 25.5 डिवाइडेड 0.5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड आ गया, तो अब पहले इस दोनों नंबर को हमको डिवाइड करके ही लिखना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 17.5 को ऐसे लिख देना है बस, अभी और कुछ नहीं करना है, लेकिन प्लस में अब इस दोनों को पहले डिवाइड करके लिखना है, तो आप डिवाइड बाहर कर लीजिए, अगर यहाँ आपको आता है तो यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड को बाहर करना ज्यादा आसान है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग डिवाइड में एक रूल पढ़े हैं, डिविजर को जिस नंबर से भाग देंगे उस पॉइंट को आगे करना है, पॉइंट को आगे करना है, तो चलिए इसका पॉइंट जम करके यहाँ लाते हैं और इसका पॉइंट जम करके यहाँ लाते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 255 डिवाइडेड बाई 5। तो आप 5 से फिर डिवाइड कीजिएगा साइड में, जैसे हम डिवाइड करते हैं 255 को डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25, ये कट गया, फिर 5 आया नीचे 1 बार में तो 51, तो 17.5 प्लस 50 51। ठीक है, अब फिर इसको आसानी से ऐड कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक 0 दे दिए, तो 5 प्लस 0 तो 5 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 और 5 प्लस 1 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 68.5। समझ में आ गया, ये अगर डिवीजन वाला रूल आपको नहीं पता है पॉइंट कैसे आगे बढ़ाते हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, हम उसका भी वीडियो पे बना देंगे, एक्सरसाइज 33 का। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 5 प्लस 62.5 डिवाइडेड 5। यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे भी आप पॉइंट को आगे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 पड़ जाएगा आपको, नहीं भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए 5 प्लस 62.5 डिवाइडेड बाई कितना 5, तो 5 से आप डिवाइड कर ही सकते हैं, आसान है इसका, तो आपको यहाँ पे बस लिखना है 5। देखिए मैं तो अपने मन से भी कर सकता हूँ इसको, जैसे 5 5 5, फिर 5 2 10.55 25, तो आप 12.5 लिख सकते हैं, आप ऐसे करके डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो 5 1 बार में, सॉरी इधर मेरा काम नहीं कर रहा है, आप लोग को मैं थोड़ा इधर ही बता देता हूँ, इसको इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको इधर ही बता देता हूँ कैसे होगा, जैसे 5 डिवाइडेड कितना है 62.5, यही है ना, तो 5 5 5, ये 1 2, तो 5 2 10, 2 बचा। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारना है, इस पॉइंट में यहाँ पे जो पॉइंट था उसके बाद वाला नंबर नीचे आएगा, तो आपको उससे पहले यहाँ पे पॉइंट देना होगा। ठीक है, फिर 5 5 25, और ये आपका हो गया डिवाइड, तो आ गया 12.5। अब 5 प्लस 12.5 ये दोनों को ऐड कर देना, तो 12 प्लस 15, 12 प्लस 5 कितना हो जाता है 17, 17.5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है, 5 ऑफ 17.5 डिवाइडेड बाय 7। देखिए यहाँ पे ऑफ का पहले हम बोर्ड मास बताए हुए, बी ओ डी एम ए एस, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का मतलब जो ब्रैकेट में अगर कोई नंबर ऐसे ब्रैकेट में रहता है तो पहले ब्रैकेट का इसी का काम करते हैं, चाहे उसमें एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसको भी आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे क्या है ऑफ है, तो यहाँ पे जो ऑफ है उसका काम करेंगे, है ना, तो ऑफ में है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, तो 5 ऑफ 17.5, तो 5 मल्टीप्लाई 17.5,
और बाद में डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई में आंसर, सॉरी इसको ब्रैकेट नहीं देना, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 का 7 कैरी 3, 5 5 जा 5 5 प्लस 3 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 80, सॉरी आंसर नहीं, 87.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए 87 को, 87.5 को, तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 माइनस हुआ 1, 7 आ गया, फिर 8 2 जा 14, 7 में से 4 माइनस हुआ 3। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर आएगा, तो उससे पहले कॉन्सेंट क्वेश्चन में पॉइंट डालना है हमको, ठीक है। फिर 7 5 जा 35, ये कट गया, आ गया हम लोग का आंसर कितना, हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, 12.5 ही आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के इधर। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड 0.005। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये नंबर आगे पॉइंट को आगे करना नहीं आता, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में आपको हम समझाएंगे, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड 0.005। देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा इधर, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी 1 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे पड़ जाएगा, तो इसके बाद 1 अंक और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक जीरो लिख के फिर यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग का इधर जीरो, इधर का जीरो तो कोई मतलब नहीं होता, इधर हो जाएगा कितना 10, और ये कितना हो जाएगा 5। अब आसान हो गया, 0.4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 5, सर ये तो बहुत आसान आ गया, 5 के बार में 2 बार में कट जाएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, तो 2 आ गया इसका, तो आंसर आ जाएगा 0.8, बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 1.25 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइडेड 0.05। देखिए यहाँ पे भी आपको पॉइंट से आगे बढ़ना होगा, पॉइंट से आगे बढ़ना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, 1.25 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइडेड 0.005, ठीक है। अब देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पे आया, ये भी 1 अंक के बाद गया, यहाँ तो 1 अंक के बाद और जाना है, तभी तो डेसिमल खत्म हो जाएगा ना, नंबर के बाद सिर्फ नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी एक जीरो लिख के फिर ये आगे आएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया 420, ये कितना हो गया 420, तो 1.25 मल्टीप्लाई 420 डिवाइडेड डिवाइडेड 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो 1.25 तो इसको लिखेंगे ही, अब ये 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, आप लोग को भी ऐसे डिवाइड करने आना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास 5 में है। अब देखिए 84 बार में कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आता है आपको सिंपली मल्टीप्लाई करने आता है, तो कीजिए 125 डिवाइडेड बाय 84, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 8 5 जा 40 का 4 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 to 10, फिर आगे यहाँ पे ऐड करेंगे 0 0 5 0 1, तो इस 1 0 5 0 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल था, तो पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे और आंसर इसका आ जाएगा 105, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 4.2 ऑफ 2.5, 2.5 डिवाइडेड 2.1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइडेड 0.05। यहाँ पे देखिए दो दो जगह डिवाइड आ गया, तो कोई दिक्कत, यहाँ पे पहले ऑफ है, तो पहले ऑफ का काम करेंगे, पहले किसका काम करेंगे, ऑफ का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, 4.2 ऑफ 2.5 डिवाइडेड 2.1 प्लस 8 इंटू 1.25,
डिवाइडेड 0.05, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो 4.2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 2.5, तो 5 2 जा कितना, 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20, 21 ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 0 4 1 5, 8 + 2 10, 10 50, 10 50। यहाँ पे देखिए एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है, तो 2 अंक हो गया, तो पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो 10.50 हो गया। फिर डिवाइड करेंगे 2.1 से, प्लस 8 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइडेड 0.05। तो आप लोग को यहाँ पे देखना होगा, देखिए यहाँ पे भी पॉइंट आगे आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, तो ये 5 डिवाइडेड 125 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम, हाँ यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 अंक के बाद है ना, 2 अंक के बाद नहीं, यहाँ पे तो एक ही है, एक ही करते हैं और यहाँ पे भी एक करते हैं, तो ये 105 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 105। तो अब हम आपको सीधा लिख के दिखा देते हैं, 105 डिवाइडेड 21 प्लस 8 into 125 डिवाइडेड 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 21 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में, प्लस 8 मल्टीप्लाई कितना करना होगा, 125 कितने बार में आएगा, तो 25 बार में, है ना, हाँ 25 बार में कट जाएगा, 25 25 125। अब फिर 25 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो 25 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा वो 200, और 200 + 5 कितना हो जाएगा, 205, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, क्या आ गया है, ब्रैकेट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सारा जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसको पहले करना है, फिर बाहर वाले नंबर से उसको फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहीं पे हम इसका आंसर बना देते हैं सीधा, 17.5 + 2.5, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2। अब देखिए 1 अंक के बाद डेसिमल है दोनों में, यहाँ प्लस है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, फिर डिवाइड 5। अब सिंपल है, 20 डिवाइडेड 5 कितना होगा, 4, ये तो बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, 27.9 - 18.6 डिवाइडेड बाय 3.1, तो 9 में से 6 माइनस, देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट वाले को ही पहले यूज करेंगे, तो 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगा देंगे, फिर 7 में से 8, तो 7 में से तो 8 नहीं जाएगा, 3 1 लेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और इधर कुछ नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय 3.1, 3.1। तो अब यहाँ पे डेसिमल इसका आगे आएगा, इसका भी डेसिमल आगे आएगा डिवीजन में, हम लोग को पता है, तो हो जाएगा 93 डिवाइडेड 31, और ये 31 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 - 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 है, तो मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग को आता ही है, अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का भी ट्रिक बताएंगे। अब यहाँ पे हम सीधा चलते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 को लिखेंगे 0.16 16 - 0.09, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, डिवाइड करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 हो जाएगा हम लोग का 0.08 - 0.1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 में से 9 माइनस होगा, सीधा 16 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा 0.07, फिर डिवाइडेड 0.8 में से 0.1 घटेगा तो 0.07, तो सर सेम नंबर है तो ये 1 बार में आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट भी 3 टाइप का होता है, ब्रैकेट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और सबसे स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट का, और फिर सबसे पहले बाद में बिग ब्रैकेट का काम होता है लास्ट में, मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर होगा उसी का काम करेंगे, अगर उससे बाहर कोई नंबर है तो उसका तो और सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं,
तो 3 + 5, 3 + अभी देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में यहाँ है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, तो इसके बीच में अब ऑफ है, तो पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तो और उसके पहले वाला जो नंबर होता है वो सेम टू सेम उसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 5.2 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर में ऑफ है, ऑफ में 25 × 24 है, तो पहले 25 × 24 करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 600 के आसपास आएगा। तो हम लोग आपको करके दिखा देते हैं। 4 × 5 = 20 का 0 कैरी, 2 4 × 2 = 8, 2 × 10, फिर 2 × 5 = 10 का 0 कैरी, 1 2 × 2 = 4 1 5, तो 0 0 6, 600 आ गया है ना। तो हम बताए थे तो 600, तो यहाँ पे 3 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 डेसिमल लगेगा, तो 0.6 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.3 डेसिमल के बाद। अगर देखिए यहाँ पे 0 का कोई मान नहीं होता है, डेसिमल के बाद अगर बाद में 0 होता है उसका कोई मान नहीं होता, उसके अंक उसके आगे कोई अंक नहीं होता, 0.6 लिखते हैं, फिर पॉइंट को जंप करवाएंगे, इसके भी पॉइंट को जंप करवाएंगे, तो ये 6 और 3 हो जाएगा। तो चलिए लिख ही देते हैं, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 5.2 माइनस 0. इसको 6 लिखते हैं और डिवाइडेड 3 लिखते हैं, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। 5.2 माइनस 3 × 2 = 6, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 + 5.2 माइनस हो जाएगा, 5.2 में माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे 0 लिखना होगा, सेम जैसे नंबर डेसिमल जैसा होता है वैसे करना होता है ना हम लोग को नंबर के लिए। तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना, 3.2 बचेगा, है ना, 3.2, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6.2 इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 8 × 0.5 + मिडिल ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट है तो इस नंबर का सबसे लास्ट में काम करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट आ जाता है, फिर डिवाइड 2 ऑफ, फिर आता है 3.6 डिवाइडेड 1.2, तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर का सारा अंक को काम करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले वाला नंबर सेम चीज सेम लिखेंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे, है ना। 100.8 / 2 ऑफ 0.7 माइनस 3.6 / 1.2, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो इसका 1 अंक इधर डेसिमल इधर आ जाएगा, ये तो ये जगह 36 और ये जगह 12, तो 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 3 बार में, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आगे करेंगे 8 × 0.5 + 108 / 2 ऑफ 0.7 माइनस 5 × 3 = 15, ठीक है। अब हम लोग को ये मंजिल ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, मतलब इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं और हम लोग ठेठी में मंजिल ब्रैकेट भी कहते हैं, जो मिडिल होते हैं ना उसको मंजिली कहते हैं, घर में कहते हैं ना मंजिली दीदी उसी तरह, ठीक है, मंजिली भैया, मंजिली दीदी, बड़े से जो एक छोटे होते हैं, तो ये मंजिली ब्रैकेट है, तो इसका हो गया। अब देखिए इसमें इस ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम होगा, तो ब्रैकेट ये आपका ऑफ का, तो चलिए 70 वैसे ही लिखते जाइए, 0.5 + 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 7 तो 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 1.4, है ना, हो जाएगा ना। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए कमेंट में, फिर हम मल्टीप्लीकेशन भी आप लोग का बना देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से कितना, ये माइनस था, सॉरी यहाँ पे ये माइनस था, ये डिवाइड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पहले इसमें डिवाइड का काम करेंगे, तो देखिए इसके बाद भी एक अंक आगे कर लेंगे, इसका भी एक अंक आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008 और ये हो जाएगा 14, तो हम लोग रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं उल्टा साइड, उधर तो मेरा चलेगा नहीं, 1008, तो सबसे पहले 100 से कटाएंगे, तो 14 × 7 = 98 आ जाएगा, रेस्ट बचेगा 2, इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर 8 × 14 = 28, तो 72 आर में ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 72, तो 8 × 0.5 + 72 − 15, ठीक है। आगे ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग, उसके बाद अब कितना आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 8 × 0.5 + ठीक है, 72 में माइनस 5 15 हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और इधर 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 57 आ जाएगा। तो ये आगे चल के हम लोग को आ जाएगा 8 × 57.5
फिर इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 8, 5 जा कितना होता है 40, 40 का 0 कैरी, 4, 8, 7 जा, 8, 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, 60 का 0 कैरी 6, 8, 5 जा 40, 46, 46, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 460, ये आंसर हो जाएगा आप लोग को। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, आप है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचा है मात्र। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 18 डिवाइडेड 1/3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 5 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये नंबर है, फ्रैक्शन में अगर नंबर रहता है तो क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई में करते हैं और उसको उल्टा करते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई 1/3 है तो इसका 3 लिख सकते हैं, फिर 0.3 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 5 प्लस 1/2। तो सबसे पहले 18 3 जा कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54 प्लस, अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, 3 7 मल्टीप्लाई में, तो 3 7 जा 21, तो 22.21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 प्लस 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे आसान काम यही होगा कि फ्रैक्शन में 2 को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे सबका, तो 2 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, इधर नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, तो 1 2 जा 2, तो 54 जा 54 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 प्लस ये 2.21 आ जाएगा माइनस 10 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ये है और ये है, तो इस तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 108 प्लस 2 110 और 111 111 111.1 माइनस 10/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको 10 को माइनस करेंगे तो 101.1/2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, 2 डिवाइडेड 101.5 सॉरी 101 ऐसा करके डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आप लोग का आंसर निकल जाए, इसलिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ 10 माइनस हो गया, बच्चा 1 आया, फिर 1 के बाद डेसिमल वाला 1 नंबर आ रहा है ना, डेसिमल सॉरी 1 ये कट रहा है, 1 हम लोग का नंबर जो आया है वो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो एक 0 देंगे, फिर नेक्स्ट नंबर उतारेंगे जो कि डेसिमल के बाद वाला नंबर है, डेसिमल के बाद वाला नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर ये कितने बार में कट जाएगा, सॉरी ये 1 उतरा है बाबू, ये यहाँ पे क्या है 1, तो 2 5 जा 10, ये फिर 1 बच गया, फिर अपने मन से डेसिमल के बाद तो एक 0 आ जाता है, तो 10, 2 5 जा 10, ये सिंपल कट गया, तो कितना है 50.55, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा 50.55। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 15 हम लोग को इधर लिखना होगा, उधर मेरा पेन नहीं चलता है, 3 डिवाइडेड 8 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 1/2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 0.7 फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर आगे देखिए इधर सबसे पहले डिवाइड भी आ जाता है, तो डिवाइड का भी यहाँ पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा उससे तो माइनस ही करना है ना, इससे जो नंबर निकलेगा उससे क्या करना है माइनस, तो इसका साथ में ये वाला भी करेंगे, तो 3 डिवाइडेड 8 है तो इसको आप 3/8 भी लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे ही लिख के बनाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 15.1/3 है ना, तो 1.5 है तो 1.5/3, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, फिर अब इसको ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे 1/2, तो बाहर इसको 1/2 रखेंगे, पहले 1 माइनस 0.7 तो ये कितना हो जाएगा 0.3, कितना हो जाएगा 0.3, देखिए 10 मेरे कहने का मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 0 आएगा, फिर 10 में से 7 से 0.3 में, अगर 1 में कुछ नहीं बचेगा तो 0.3 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 डिवाइडेड 8 प्लस 1.5, अब देखिए यहाँ पे इससे जो नंबर निकलेगा, यहाँ पे हम एक गलती कर दिए, गलती नहीं की है, आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहे थे कि देखिए 3, अब यहाँ पे प्लस ही करना है और ये इससे इससे जो नंबर निकलेगा उसको माइनस करना है, तो ये तो बाद वाला काम होगा ना, इधर इधर भी हम लोग कर लेते हैं, शॉर्टकट में निकलते हैं, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और 3 3 जा 9
और 8 बार में तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 बाई 24 ऐसे हो जाएगा। फिर इधर से जो निकलेगा नंबर इसको भी देख लेते हैं, इस इधर से क्या निकलेगा, 2 1 प्लस 0.6, 0.6, 2 3 जा 6 होता है ना, 0.6, तो ये 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 21 बाय 24 -1.6 बाय 2। देखिए यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग को 24 ही आएगा, है ना। तो फिर 21 माइनस 2 के बार में 12 बार में 24 आता है, तो 12 मल्टीप्लाई 16, 1.6, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3, 1 6 जा 6 1 1 जा 1, 2 6 प्लस 3 9 और ये 1, तो 19.2, 19.2। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको पहले माइनस करते हैं। देखिए यहां तक आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, तो आगे हम लोग बनाते हैं। अब 21 में 19.2 माइनस करेंगे तो ये 0.0 रखते हैं इसको, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और फिर 20 में से 19, तो 1.8 बाय 24 आ जाएगा। देखिए ये 6 से कट जा रहा है, 6 से दोनों कट जा रहा है, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 0.3 लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 0.3। अब आप लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए, ऐसे अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बार में डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं, 4 को भी मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं और 0.3 को भी मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं, तो ये जीरो अगर इसको माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट, सॉरी इधर मेरा पेन नहीं चलेगा अच्छे से, नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 7.5 और 25 4 जा होता है 100, ठीक है। तो दो अंक के बाद और 0 लग जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 0. देखिए यहाँ पे है, इसके बाद दो अंक 1 2, तो यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर दो अंक के बाद हो गया ना, तो इसको लिखेंगे आंसर में 0.075, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग फास्टली देख सकते हैं 2x करके, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और, आप लोग के क्लास का वीडियो हर वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग बस इतना बता सकते हैं हम लोग को कि आप लोग को दो पार्ट में चाहिए या एक ही पार्ट में चाहिए पूरा वीडियो, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।